मंडला जिले के निवास विकास खंड के अंतर्गत ग्वारा गांव में लगभग 200 परिवार रहते हैं, जिसमें से 20 लोगों के द्वारा मनरेगा के तहत काम नहीं मिलने पर नियम के अनुसार बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन किए। सचिव सरपंच आए थे और हम लोगों को यानी वो बेरोजगारी भत्ता यानी अपने तरफ से देने के लिए हम लोगों को चुटिया बनाकर वे दस्तखत करा लिए हैं और यानी 20 मई को यानी दे देंगे कह के नहीं दिए हैं, तो हम लोग 20 मई कट जाने के बाद 23 यानी मई को सभी लोग इकट्ठे बैठ के और उसका विचार विमर्श करके सरपंच सचिव को यानी बुलवाए, तो सचिव सरपंच यानी 24 घंटा का वो समय मांगा है कि हम तुमको 24 घंटा मिला के दे देंगे कह के, और वो चले गए। आवेदन लगाए हैं वो बेरोजगारी के भत्ता हमको यानी चाहिए 20 आदमियों को। छोटी बच्ची की शादी किया, बनी मंजूरी करके दोनों झंझियत खात हैं, जपात लेके शादी ब्याह करी, गारंटी रोजगार काम की, काम भी ना मिला, कोई भत्ता ना मिले, कुछ नहीं, अब इधर लगाए कुछ ना मिला, कर्ज बात हो कि हम शादी ब्याह करी, बंदी बनी मंजूरी कर कर जी खा रहे हैं। मैं चाहती हूँ इन 200 परिवारों को बेरोजगारी भत्ता दिलाया जाए। मैं वीडियो देखने वाले श्रोताओं से अपील करती हूँ, कृपया इस पते पर फ़ोन कर हमारी मदद करें। पता है जनपद पंचायत CO निवास श्रीमती वस्तला त्योहरे, मोबाइल नंबर है 9479465801। मैं सरोज परस्ते, ग्वारा ग्राम विकास खंड निवास, जिला मंडला, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।